हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको एचएपी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में स्केलेटन सिस्टम करवाएंगे। स्केलेटन सिस्टम के हम तीन या चार पार्ट सुनाएंगे क्योंकि ये लंबा चैप्टर है। ये बोन्स के बारे में बताया जाता है। इसमें स्केलेटन जो है हमारे जो शरीर के अंदर जितने भी हड्डी हैं वो सब स्केलेटन सिस्टम में आती है, जिसमें बोन और जॉइंट्स जो होते हैं हमारे, ये और हड्डियां जो आती हैं शरीर की, उसे हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। स्केलेटन सिस्टम को हम कंकाल भी कहते हैं, हिंदी में कंकाल नाम से कहते हैं। ये हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो ये हड्डियां 300 होती हैं। उसके बाद दो या तीन महीने के बाद उसकी ये बोन्स जो हैं चाइल्ड की 213, फिर उसके बाद 206 रह जाती हैं अडल्ट, और उसके बाद ये जो है हड्डियां हमारे शरीर को एक शेप देती हैं, मजबूती देती हैं। और ये जो हमारी मूवेबल्स बोन होती हैं जो इधर उधर मूव हो जाती हैं, कुछ जो हड्डियां हमारी इमूवेबल हैं वो हिलती जुलती नहीं है, लेकिन ये सारा जो हड्डियों का हमारी बॉडी में है कि हमें एक अच्छी शेप देती है, ब्यूटी देती है और हमारी बॉडी को चलाने में काफ़ी मदद करती है। तो ये जो स्केलेटन सिस्टम है इसकी जो फंक्शन होती हैं, कार्य जो काम करते हैं, ये फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम के सपोर्ट करता है एंड प्रोटेक्शन ऑफ ए सॉफ्ट टिश्यू, जो सॉफ्ट टिश्यू है हमारे, एंड वाइटल ऑर्गेन्स, और सेकंड जो है टू गिव अटैचमेंट टू मसल, ये मसल्स की अटैचमेंट देता है। फॉर्मेशन ये ब्लड रेड ब्लड सेल जो है आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस इन द बोन मैरो ये बनाता है हमारी हड्डियों में जो बोन मैरो होता है इसके। उसके बाद स्टोरेज करता है जो स्केलेटन सिस्टम में बोन्स जो होती हैं हमारी, मिनरल सॉल्ट लाइक जैसे फास्फोरस एंड कैल्शियम, इस तरह के जो सॉल्ट होते हैं हमारी बॉडी ये स्केलेटन सिस्टम बोन्स में स्टोरेज करती है। और क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन लंबी बोन जो है हमारी सबसे लंबी बोन ये वाली होती है, उसके बाद शॉर्ट बोन ये कान की बोने होती, फ्लैट बोन्स, उसके बाद इररेगुलर बोन्स, सेसमियोइड बोन्स, और उसके बाद जो बोन्स होती हैं हमारी सेपरेट सेपरेट लॉन्ग बोन जो होती हैं, ये जो बोन्स होती हैं लिम्स में पाई जाती हैं। दे आर फाउंड इन द लिम्स, ये लिम्स में पाई जाती हैं। ए लॉन्ग बोन जो लंबी बोन होती है कंटेन शॉफ्ट एंड टू एक्सक्रीवेटाइड, द लॉन्ग बोन एक्ट ए लिवर एंड हेल्प इन वेरियस मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी में मूवमेंट करने में सहायक होती है। शॉर्ट बोन जो होती है छोटी हड्डियां जिसे कहते हैं, दीज हैव नो सॉफ्ट बट दे कंटेन ए स्पॉन्जी सबस्टांस कवर्ड बाय ए शेल ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, एग्जाम्पल के तौर पर ब्रेस्ट एंड एंकल जिसे कहते हैं, तो स्मॉल बोन्स में आती है। उसके बाद फ्लैट बोन जो होती है दे कंटेन टू लेयर, वो दो लेयर्स बनाती ऑफ ए कॉम्पैक्ट बोन्स विद ए स्पॉन्जी सबस्टांस इन बिटवीन पेल्विक बोन्स एंड स्कैपुला। और उसके बाद फोर्थ जो आता है इररेगुलर बोन्स, इररेगुलर बोन्स जो होती दे डू नॉट
फॉल इन एनी कैटेगरी, ये किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करती, और जिसमें वर्टिब्रेट एंड बोन ऑफ द फेस, तो बोन्स हैं हमारे चेहरे के वो, उसके बाद सिस्मॉइड बोन्स, दीज आर स्मॉल बोन, ये स्मॉल बोन्स होती हैं और विच डिवेलप इन द टेंडन ऑफ मसल्स, पटेला, जो पटेला है ऑफ ए क्नी ज्वाइंट का, उसे हम ये बोन्स कहते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर आ जाता है, ये जो स्ट्रक्चर्स है हमारे बोन्स, जो हड्डी होती है, हड्डी के बीच में क्या क्या होता है, क्या है कैल्शियस बोन है, कॉम्पैक्ट बोन है कि, उसके बाद पेरिस्टम होता है, मैडुलर कैनाल और न्यूट्रेंट, और ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर्स है। ये जो बोन्स होती हैं हड्डी है, वो सख्त होती है, हार्डेस्ट होती है ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में ये हार्डेस्ट होती है बोन्स। इट कंटेन, ये पाई जाती है टू काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की दो किस्मों में पाया जाता है, फर्स्ट वन कॉम्पैक्ट बोन और दूसरा जिसे हम कहते हैं कैंसिलस बोन। ये कॉम्पैक्ट बोन जो है ये हार्ड एंड डेंस होती हैं, सख्त होती है, इट इज हार्ड एंड डेंस, इट इज फाउंड इन द फ्लैट बोन, ये फ्लैट बोन में पाई जाती है, इन द सॉफ्ट ऑफ ए लॉन्ग बोन एंड ए थिन कवरिंग ऑफ ऑल बोन्स। उसके बाद कैंसरस बोन आती है, कैंसरस बोन जो है इरेगुलर शेप की होती है, इनकी एक जैसी शेप नहीं होती, इरेगुलर शेप होती है, जैसे रिब हो गया और वर्टिब्रा, इन्हें स्पाइनल कॉलम, और ये जो होती है कैंसरस बोन, इट इज ए स्ट्रॉन्ग इन अपीयरेंस, इट इज फाउंड इन द एंड ऑफ ए लॉन्ग बोन। ये जो कैंसरस बोन है, जो लंबी बोन्स होती हैं उनकी एंड में पाया जाता है, और इन ए शॉर्ट बोन एंड इन बिटवीन टू लेयर ऑफ ए कॉम्पैक्ट टिश्यू ऑफ फ्लैट बोन्स। ये जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, हड्डियों में जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये लगाया बनाया, उसके बाद मेडुलरी कैनाल, इसमें मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स सबसे कठोर होता है, जो कठोर होता है उसमें कैल्शियम और फास्फेट होता है, कैल्शियम और फास्फेट होने से हड्डी में मजबूती आती है। उसके बाद जो है पेरिस्टम बोन्स में पाया जाता है, और ये जो बोन है बाहरी भाग, बाहर का जो हिस्सा होता है एक हड्डी का, जिसे बोन कहते हैं, उसे हम पेरिस्टम कहते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ सेंटर में बोन मैरो होता है, ये जो बोन मैरो होता है, ये बोन मैरो हड्डियों में अक्सर पाया जाता है, इसमें वाइट ब्लड मैरो होता है और दूसरा होता है रेड ब्लड मैरो। ये रेड ब्लड मैरो जो है आरबीसी बनाता है, और वाइट ब्लड मैरो जो है वाइट ब्लड सेल बनाता है, ये हमारे ब्लड को बनाने में मदद करता है। ये जो हड्डियां होती हैं इसके सेंटर में बोन मैरो, एंड उसके बाद इसमें एक लिक्विड होता है, लिक्विड में ये जो लिक्विड है एंडोस्टर हम कहते हैं उसे, और ये जो होता है हमारी हड्डियां जो है, हमारी खून जो रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल मदद करते हैं। उसके बाद ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्ग बोन, ग्रॉस स्ट्रक्चर जो होती हैं लंबी हड्डियां जो होती हैं बोन्स होती हैं, वो इस तरह से लॉन्ग बोन हैज टू एंड कनेक्टेड बाय
shaft. The outer membranes covering the bone is peristome. जो outer होता है इसका उसको हम peristome कहते हैं. It is followed by a thick layer. Followed by thick layer of a compact bone. Inside this, इसके अंदर जो है सेंटर में मेडुलरी कैनाल होता है. ये सेंटर में मेडुलरी कैनाल न्यूट्रिएंट फॉर्मेंट जो होती हैं इसी बोन्स में होती हैं. इज द ओपनिंग टू विच आर्टरीज द मेडुलरी कैनाल. उसके बाद इस बोन्स को जब हम माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो माइक्रोस्कोप पे देखने में हमें काफी बारीकी से पता चलता है कि हमारे हड्डियों में क्या क्या है. तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स जो है बोन्स का वो इस तरह से है. क्रॉस सेक्शन जब करते हैं, आपने किया होगा कभी, जब क्रॉस सेक्शन करते हैं इसका बोन का और माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं हम इन हड्डियों को बोन्स को, शो द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स. ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है. हम आपको दिखाते हैं ये माइक्रोस्कोपिक इस तरह से जो है ये दिखाई देता है माइक्रोस्कोपिक कि हमारे हड्डियाँ किस तरह से हैं. इसको सेपरेट सेपरेट पार्ट में नाम दिए गए हैं. इसमें हेवरसन कैनाल विच लाई एट द सेंटर. हेवरसन जो है कैनाल जो सेंटर में होता है. इट कंटेन ब्लड वेसल्स नर्व्स हैं. उसके बाद सेकंड जो है लेमिनल लेमिनल जो है विच आर प्लेट ऑफ ए बोन आर रेंज्ड कंसेंट्रिकल अराउंड द हेवरसन कैनाल. उसके बाद लेसुनी लेसुनी जो है विच आर स्पेस बिटवीन द लेमिनल एंड दे कंटेन बोन सेल्स. इसी तरह से कैनी विच आर फाइन कैनाल्स दे आर रेडिएट बिटवीन द सेंट्रल हेवरसन कैनाल. ऑल द स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर होता है इसका टूगेदर फॉर्म ए यूनाइट एंड दिस यूनाइट यूनिट इज कॉल्ड एज ए हेवरसन सिस्टम. उसके बाद ये जो हड्डियाँ होती हैं हमारे शरीर में वो ग्रोथ कैसे करती हैं. डिवेलपमेंट एंड ग्रोथ डिवेलपमेंट और ग्रोथ जो है हमारी हड्डियों में कैसे होती है. आपने देखा होगा हमारे छोटे बच्चे छोटे से उससे बड़े 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 और आदमी हाइट और ग्रोथ जो होती हैं हमारी हड्डियों की होने से आदमी की हाइट भी नजर आती है. फॉर्मेशन ऑफ बोन्स बोन्स जो हैं तो बनते हैं ऑसिफिशियल बोन्स ऑफ द स्केलेटन्स आर डिवेलप्ड इन टू फर्स्ट वन सम बोन्स डिवेलप इन ए शीट ऑफ ए फाइब्रस टिश्यू. कुछ जो बोन है वो शीट ऑफ ए फाइब्रस टिश्यू से डिवेलप होती है और सेकंड जो है अदर बोन्स डिवेलप इन वेयर ऑफ ए ऑटिलेज. इन बोथ केसेस बोन सेल्स कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट इनवेड द एरिया ऑफ द ऑसिफिकेशंस. हियर द कैल्शियम सॉल्ट यहाँ पे जो कैल्शियम सॉल्ट होता है आर डिपॉजिटेड टू गिव द नेसेसरी हार्डनेस. जो कैल्शियम होता है हमारा वो जो स्टोर होता है हमारे बोन्स में सॉल्ट होते हैं वो डिपॉजिटेड होते हैं और वो देते हैं हमें नेसेसरी जो हार्डनेस मजबूती देते हैं. और दिस प्रोसेस ऑफ ए बोन डेवलपमेंट अक्कर बिफोर बर्थ. तो बिफोर बर्थ से ही डेवलपमेंट अक्कर होता है. उसके बाद आफ्टर बर्थ जब बच्चा पैदा हो जाता है बर्थ के बाद
द बोन ग्रो फ्रॉम ए सर्टेन सेंटर इन इट द सेंटर इन द शॉफ्ट इज कॉल्ड डायफाइसिस द टू सेंटर्स इन द एंड आर कॉल्ड एपिफाइसिस द हेयर ऑफ ए कॉटिलेज इन बिटवीन द एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस इज कॉल्ड एज एपिफाइसियल कॉटिलेज दिस इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय बोन दिस रिप्लेसमेंट ऑकर टिल द एपिफाइसिस और डायफाइसिस यूनाइट टू फॉर्म ए सिंगल बोनी स्ट्रक्चर आफ्टर दिस जो ग्रोथ है बोन की स्टॉप हो जाती है और बोन्स जो होती हैं हमारी हड्डियाँ एक ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन में वो 206 होती है 206 हड्डियाँ हमारे शरीर में पाई जाती हैं ये जो 206 हड्डियाँ हैं इसमें जो एक्सल बोन जो होती है एक्सल बोन उसमें 80 बोन होती हैं 80 और उसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में 126 हड्डियां होती है 80 प्लस 126 ये मिलके 206 हो जाती हैं जो एक्सल बोन है 80 बोन उसमें हमारा जैसे गल आता है गले की एक हड्डी होती है वो आती है उसके बाद हमारी ये छाती है चेस्ट इसकी जितनी हड्डियां हैं ये सब मिला के 80 हड्डियां बनती हैं 80 उसके बाद जो अपेंडिकुलर है अपर एंड लोअर लेग्स होते हैं हमारे और बोन्स जो होती हैं शोल्डर और पेल्विक की वो सब मिला के हमारे पैर और हाथों की हड्डियां जो होती हैं वो 126 होती अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम आपको कराएंगे बोन्स की जो है स्कल में कितनी हड्डियां हैं और एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स हैं नेक्स्ट क्लास में कराएंगे सो थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक्स